एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो आज का व्लॉग स्टार्ट हो रहा है मिशो होलसेल से। आप देख ही सकते हो मेरे इस साइड भी पार्सल है और इस साइड भी पार्सल है। तो मैंने काफी सारे पार्सल ऑर्डर किए हैं और आज मैं आपको वीडियो में बताने वाली हूँ कि मैंने कितने कम प्राइस में ये साड़ियाँ मंगाई हैं। तो वीडियो में मेरे साथ लास्ट तक बने रहना। वीडियो स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट ऑर्डर से। तो फर्स्ट ऑर्डर जो मैंने किया था, आप देख ही सकते हो मैं इस टाइम पहनकर बैठी हूँ आप लोगों के सामने। तो ये पिंक कलर का कोर्सेट है और मुझे बहुत ही ज्यादा ये पसंद आया था। मतलब मुझे डाउट हो रहा था कि ये सेम ऐसा आएगा या नहीं आएगा, बट मुझे पहनने के बाद ये बहुत ही ज्यादा पसंद आया है। और इसका मैं प्राइस आपको बता देती हूँ गाइज, ये मुझे मिला है 599 में, मतलब 600 में मुझे ये मिला है। और ये सच में बहुत ही मतलब सुंदर है और इसके आपको कलर ऑप्शन काफी सारे मिल जाएंगे। तो मैंने पिंक कलर मंगाया है और मैं आपको एक बात और बता दूं, मुझे ये इतना ज्यादा पसंद आया था ना कि मैंने इसका ब्लैक कलर भी ऑर्डर कर दिया है। तो मतलब मुझे तो बहुत ही ज्यादा पसंद आया है। अगर आप लोगों को ये मंगाना है तो आप इसको मंगा सकते हैं। तो चलो फिर नेक्स्ट आपको दिखाते हैं। हम स्टार्ट कर रहे हैं अपनी फर्स्ट साड़ी से और मैंने अभी तक इसको ओपन नहीं किया है, मैंने देखा नहीं है। तो अभी हम देखने वाले हैं कि ये कैसी आई है। सो आप देख सकते हो ये कितनी सुंदर साड़ी है और इसका जो कपड़ा है वो है जोलजट। मुझे ना हल्की साड़ी पहनना पसंद है क्योंकि मैं वीडियो भी बनाती हूँ और फिर भारी भारी साड़ी ना मतलब थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है पहनने में भी और वैसे भी। तो मुझे ये वाली साड़ी तो बहुत ज्यादा सुंदर लग रही है। आपको अगर मंगानी है तो आप इसको मंगा सकते हैं और इसका प्राइस है 535 रुपीज। तो ये ठीक है, मतलब इतना महंगा भी नहीं है। और मुझे नहीं पता इसके अंदर ब्लाउज आया है या नहीं, जब मैं इसको ओपन करूंगी तो मे बी इसका ब्लाउज आया होगा। तो देखो ये इसका ब्लाउज का इन्होंने कपड़ा दिया है एक्स्ट्रा, सिंपल ही कपड़ा है। मतलब आप इसको मतलब इसके अंदर हमें अस्तर लगाना पड़ेगा और आप चाहे तो कुछ भी इसके साथ कंट्रास्ट या कुछ भी अलग पहन सकते हैं ब्लाउज। तो ये साड़ी तो वैसे बहुत ही सुंदर लग रही है। अगर आपको मंगानी है, आपको ऑर्डर करनी है तो आप इसको ऑर्डर कर सकते हैं। अभी हम नेक्स्ट अपना पार्सल खोलने वाले हैं। ये वाली साड़ी ना मुझे बहुत ही सुंदर लग रही थी, मतलब जब मैंने देखी थी ना। और मतलब एक तो इसका कलर ना बहुत ही न्यूड कलर है और मैंने पहना भी नहीं अभी तक ये वाला कलर, तो इसलिए मैंने इसको ऑर्डर किया है। अभी मैं आपको ओपन करके दिखाने वाली हूँ। तो गाइस देखो ये कितनी सुंदर साड़ी है और इसके साथ में क्या है, ये कैश बैक के लिए आया हुआ है इसके साथ में, इसको हम बाद में देखेंगे। फिलहाल पहले हम अपनी साड़ी देखने वाले हैं। तो गाइस आप देख सकते हो ये कितनी सुंदर साड़ी है और ये एकदम न्यूड कलर की साड़ी है, मुझे तो बहुत ही सुंदर लग रही है ये। इसपे जो मतलब सिर्फ गोटा लगा आया है और ये व्हाइट कलर का है, तो इसके साथ आई थिंक व्हाइट कलर का ब्लाउज भी बहुत ही सुंदर लगेगा क्योंकि इन्होंने बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन इसके साथ दिया है। और गाइज इसके साथ में इसके ब्लाउज का कपड़ा भी आपको मिल जाएगा, आप देख सकते हो इसके ब्लाउज का कपड़ा इन्होंने दिया है। ये शाइनिंग वाला जो कपड़ा आता है ना, वही वाला कपड़ा है इसके साथ में, पर इसके साथ का ब्लाउज सच में बहुत ही मस्त लगेगा ये वाला अगर हम बनाएंगे तो। और आप देख सकते हैं उन्होंने ब्लाउज के लिए भी ये गोटा दिया है, तो बहुत ही सच में मुझे तो बहुत ही सुंदर लग रही है ये साड़ी। और बस मैं जल्दी से इसका ब्लाउज रेडी करवाऊंगी और इसको पहनकर वीडियो बनाऊंगी। तो मैं इसका आपको प्राइस बता देती हूँ कि ये मुझे कितने में मिली है। वाली साड़ी का प्राइस है 634 रुपीज। तो वैसे मैंने जितनी साड़ी मंगाई है ना, सबसे ज्यादा शायद इसी वाली साड़ी का प्राइस मतलब इतना है, बाकी सब इससे नीचे ही आने वाली है जितने भी प्राइस आएगा साड़ियों का। तो ये वाली साड़ी 634 रुपीज की थी। अगर आपको मंगानी है तो आप इसको भी मंगा सकते हो क्योंकि मुझे तो ये साड़ी पर्सनली बहुत ही ज्यादा पसंद आई है और ब्लाउज में जो इन्होंने कपड़ा यूज किया है, मतलब दिया है हमें यूज करने के लिए, तो वो भी बहुत ही अच्छा है। तो आपको मंगाना है तो आप इसको मंगा सकते हो। तो चलो फिर नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं, थर्ड पार्सल खोलते हैं। ओ माई गॉड, ये वाली साड़ी ना गाइज, मैं मतलब इतना सोच रही थी इसको मंगाऊं या नहीं मंगाऊं क्योंकि मैं थोड़ा सा ना कंफ्यूज हो रही थी कि मेरे ऊपर अच्छी भी लगेगी या नहीं। आई थिंक ये जयपुरी साड़ी या फिर राजस्थान ऐसा कुछ, मतलब शायद वहां पर पहनते हैं इस वाली साड़ी को, मुझे नहीं पता सही से। चलो इसको ओपन करते हैं। वाओ, तो गाइज देखो आप देख सकते हो ये भी सच में बहुत ही सुंदर लग रही है। मतलब मेरा मन कर रहा है ना मैं अभी मतलब इन साड़ियों को पहन लूं और जल्दी से वीडियो बनाना स्टार्ट कर दूं, बट अभी ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि मेरे पास अभी टाइम नहीं है, अभी तो मैं ब्लॉग शूट कर रही हूँ। तो आप देख सकते हो गाइज ये वाली साड़ी भी ना बहुत ही सुंदर है, मैं आपको पास से दिखा देती हूँ। और गाइज इसका जो फैब्रिक है ये भी जॉर्जेट में ही है क्योंकि मुझे ना जॉर्जेट का ही फैब्रिक अच्छा लगता है क्योंकि वो इजिली बहुत ही मतलब अच्छे से साड़ी प्रॉपर बंध जाती है सही से और बहुत हल्की हल्की लगती है, ऐसा भारी भारी सी नहीं लगती कि हमने कुछ पहना भी है या नहीं, वरना साड़ी इतनी भारी होती है ना संभालने में भी मुश्किल हो जाता है।
तो इसमें ना रेड कलर का ये गोटा भी दिया है इन्होंने छोटा सा, मतलब अच्छा लग रहा है ये भी। और इसका जो कॉम्बिनेशन है ना रेड ग्रीन येलो, ये बहुत ही सुंदर कॉम्बिनेशन है। और ये वाली साड़ी ना जब आई थी ना तो मेरी मम्मी जी ने भी इसको ओपन कर लिया था, मतलब मेरी जो सास जी है उन्होंने भी इसको ओपन किया था ना, उनको भी पसंद आई है, वो भी बोल रही थी कि बहुत सुंदर साड़ी है, एक जो पार्सल आया है उसमें से एक साड़ी है वो बहुत सुंदर है, तो मैंने उनको दिखाया था, इसलिए मैंने इस साड़ी को ना पहले देख लिया था, बट ये बहुत ही सुंदर साड़ी है। चलो मैं इसको आपको प्राइस बता देती हूँ। साड़ी मुझे मिली है 271 रुपीज, सच में इतनी सस्ती साड़ी है ना ये। और अगर आप इसे मार्केट में लेने जाओगे शायद 1000 से तो ऊपर की ही आपको मिल जाएगी साड़ी, लेकिन अगर आप मीशो से लोगे तो आपको इतनी सस्ती मिल जाएगी, मतलब सच में मुझे तो बहुत ही सस्ती लगी ये साड़ी, इसलिए मैंने इसको ऑर्डर भी कर लिया और मुझे ये सुंदर भी लग रही थी इसलिए मैंने इसको मंगा लिया। तो अगर आपको ये वाली साड़ी मंगानी है तो आप इसको भी मंगा सकते हैं। चलो फिर नेक्स्ट दिखाते हैं आपको, ये वाली जो साड़ी है ना ये सबसे वायरल साड़ी है, और मैंने इंस्टाग्राम पर मतलब रील इसकी वीडियो इतनी ज्यादा देखी है ना, मैंने सोचा चलो ठीक है एक बार मैं भी मंगा कर देखती हूँ ये साड़ी आई कैसी है। और ये वाली साड़ी आप खुद ही समझ जाओगे मैं किस साड़ी की बात कर रही हूँ। तो ये वाली साड़ी पहनी थी आलिया भट्ट ने, आपने सभी ने देखा ही होगा और काफी लड़कियों के पास भी आपने ये वाली साड़ी देखी होगी, तो मुझे लगा ठीक है मुझे भी मंगानी चाहिए। और ये साड़ी ना कृष्णा को जब मैं दिखा रही थी ना कि मैं ऑर्डर कर रही हूँ ये वाली साड़ी, तो उन्होंने भी बोल दिया था कि ठीक है मंगा लो ये साड़ी अच्छी लग रही है, तो इसलिए मैंने इसको ऑर्डर किया मंगा लिया। और वैसे मुझे ये वाला जो कॉम्बिनेशन है ना इतना, मतलब ये वाला कॉम्बिनेशन मुझे बिल्कुल नहीं मुझे पसंद नहीं आया इतना, बट मैंने फिर भी इसको मंगाया क्योंकि मैं देखना चाह रही थी ये आएगी कैसे, और इसका भी फेवरेट जॉर्जेट ही है, चलो ये तो अच्छी बात है। और इसका ब्लाउज का कपड़ा भी आपको मिल जाएगा आप देख सकते हो, बट ब्लाउज का कपड़ा बहुत ही चीप है, मतलब अच्छा नहीं है, तो आप देख सकते हो बिल्कुल छना हुआ जो कपड़ा होता है ना वो वाला ये कपड़ा है, तो इसमें आपको अस्तर लगाने की जरूरत पड़ जाएगी। और मुझे नहीं लग रहा कि मैं इसका ही ब्लाउज बनाने वाली हूँ, मैं इसके साथ शायद कोई और सा कपड़ा यूज करूंगी ब्लाउज के लिए, ये वाला कपड़ा नहीं करूंगी। कलरफुल साड़ी है ये, बहुत ही सुंदर लग रही है, वैसे तो पहन कर देखेंगे बाद में पता चलेगा कि ये मेरे ऊपर अच्छी लग भी रही है या नहीं, आप देख सकते हो बिल्कुल तिरंगा वाला फील आ रहा है, तो इतना सारा कलर दे दिया इस साड़ी में। तो इसका भी मैं प्राइस आपको बताने वाली हूँ अभी। तो ये वाली साड़ी मुझे मिली थी 370 रुपए में, तो ठीक है मतलब इतना ज्यादा भी प्राइस नहीं है, और नॉर्मल जॉर्जेट ही है वैसे भी वो, तो अच्छा है मतलब प्राइस इतना हाई नहीं है, मैंने इसलिए इसको मंगा लिया था। चलो फिर नेक्स्ट खोलते हैं अपना ऑर्डर। तो ये है येलो कलर की साड़ी, और येलो कलर का साड़ी मेरे पास एक भी नहीं है, तो मैंने सोचा चलो ठीक है येलो मंगाते हैं फिर, वैसे भी ये भी जॉर्जेट का ही है। ओ तो देखो इसके साथ में आपको ब्लाउज का कपड़ा मिल जाएगा, और इन्होंने गाइस देखो लेस भी दी हुई है, अगर आपको लगानी है ये अच्छी बात है, ये आप अपना स्लीव पर इसको यूज कर सकते हैं, तो अच्छी बात है इन्होंने ये दिया है, और आपको ये कपड़ा मिल जाएगा इसके ब्लाउज का। तो आप कपड़ा देख सकते हो, कपड़ा बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, सेम उसी साड़ी की तरह है, ये भी वही कपड़ा है, ये लोग ब्लाउज का ही कपड़ा ठीक नहीं देते हैं, आप देख सकते हो बहुत ही हल्का कपड़ा है ये, तो देखती हूँ उसका ब्लाउज बनवाना है या नहीं, वरना तो मैं कुछ और ही मतलब दूसरे कपड़े का ब्लाउज बनवा लूंगी। लेकिन साड़ी की हम बात करते हैं, साड़ी आपको सिंपल ही मिलेगी, बिल्कुल सिंपल जॉर्जेट है ये, बस इसके नीचे में और इधर मतलब लेस लगा हुआ है, ये गोटा लगा हुआ है, तो ये मुझे कॉम्बिनेशन ना अच्छा लग रहा था। और इसका वैसे मैं इसके साथ जब ब्लाउज बनवाऊंगी ना तो मैं रेड ही बनवाऊंगी, क्योंकि इसके साथ ना रेड कॉम्बिनेशन बहुत ही सुंदर लगेगा, उन्होंने भी रेड ही दिया है इसी वजह से। तो आप देख सकते हो साड़ी बहुत ही सुंदर है, एकदम सिंपल साड़ी है, और येलो मेरे पास थी भी नहीं इसी वजह से मैंने इसको ऑर्डर किया है। अभी मैं इसको आपको प्राइस बताने वाली हूँ कि ये वाली साड़ी मुझे कितने की मिली है। सो ये वाली साड़ी मुझे मिली थी 385 रुपीज में, और इतना महंगा नहीं है वैसे, ठीक है सिंपल जॉर्जेट है, गोटा लगा है, अगर नॉर्मली आप मार्केट से भी जॉर्जेट लेके ये वाली साड़ी बनवाते हो तो 500 में फिर भी ये बन जाएगी अगर देखा जाए तो, मीशो पे मुझे फिर भी बहुत सस्ती मिल गई है इसलिए मैंने इसको ऑर्डर कर दिया था, क्योंकि ऐसे तो कुछ है नहीं इसमें, सिर्फ जॉर्जेट का ये कपड़ा है और बस ये गोटा लगा हुआ है, तो अगर आप मार्केट से भी इस साड़ी को बनवाओगे तो शायद 500 या 600 के अंदर में बन जाएगी, और मीशो से आपको मिल जाएगी 385 रुपीज में, तो ये साड़ी भी बेस्ट है, अगर आपको मंगानी है तो आप इसको मंगा सकते हैं। चलो फिर नेक्स्ट हम अपना पार्सल ओपन करते हैं। तो ये व्हाइट कलर की साड़ी है, और ये वाली साड़ी ना सेम येलो की तरह ही है, मतलब सेम ही है बिल्कुल डिटो, बट थोड़ा सा इसमें चेंज है, और इसका जो कपड़ा है ना ये भी जॉर्जेट का ही कपड़ा है, तो आप देख सकते हो, और इसके साथ भी गाइस देखो रेड ही ब्लाउज इन लोगों ने दिया है, इसके साथ ही ज्वाइन है,
बस देखो मैंने कहा ना ये लोग ब्लाउज का कपड़ा बिल्कुल भी अच्छा नहीं दे रहे हैं। आप इसको भी देख सकते हो ये कितना हल्का कपड़ा है, बहुत ही मतलब जॉर्जेट से भी ज्यादा हल्का लग रहा है मुझे ये। तो आप देख सकते हो उन्होंने ब्लाउज का कपड़ा तो अच्छा नहीं दिया है। मैं इसका भी चेंज करने वाली हूँ ब्लाउज, मार्केट से कपड़ा लाऊंगी फिर इसके बाद इसका ब्लाउज बनवाऊंगी। बाकी साड़ी एकदम सिंपल है, बस इसमें ये गोटा दिया हुआ है, आपको पास से दिखा देती हूँ मैं। ये गोटा है इसका, बहुत ही सुंदर है। अगर आपको मंगानी है तो आप इसको मंगा सकते हो, सेम येलो वाली की तरह ही है बिल्कुल डिटो। चलो अभी मैं इसको आपको प्राइस बताने वाली हूँ ये मुझे कितने की मिली है। तो ये मुझे मिली है 370 रुपीज में, तो ये भी मतलब वो सेम उसी की प्राइस में है, कोई इतनी महंगी नहीं है। तो अगर आपको ये वाली साड़ी मंगानी है तो आप इसको मंगा सकते हैं। चलो फिर नेक्स्ट ओपन करते हैं। ये ब्लैक कलर की साड़ी है और मुझे ना बहुत ही सुंदर लगी थी। और ये देखो इसके ब्लाउज का कपड़ा भी आया है इसके साथ में, ये देखो इन्होंने अच्छा मतलब ठीक है। इसके साथ भी आपको अंदर अस्तर लगाना पड़ेगा क्योंकि ये जॉर्जेट ही है, तो अंदर आपको कपड़ा लगाना पड़ेगा, इसके अस्तर जो बोलते हैं उसको यूज करना पड़ेगा। और ये साड़ी है बहुत ही हल्की साड़ी लग रही है इसका ना गाइस, मुझे ना ये कपड़ा कम लग रहा है। मतलब साड़ी होती है ना कम से कम 6 मीटर की तो होनी चाहिए, ये मुझे थोड़ी कम लग रही है। चलो कोई नहीं, इसको पहनने के बाद मुझे पता चलेगा। लेकिन ये साड़ी बहुत ही सुंदर है और ये जॉर्जेट तो नहीं है, ये दूसरा कपड़ा बोल सकते हैं, मुझे नहीं पता ये कपड़ा कौन सा है, लेकिन जॉर्जेट में ही मिक्स जो होता है वो वाला कपड़ा है। और इसमें जो इन्होंने कॉम्बिनेशन दिया है ना, तो ये बहुत ही सुंदर लगा था मुझे, फोटो में भी बहुत ही सुंदर लगा था, तो मैंने इसलिए इसको मंगा लिया है। बाकी ट्राई मैं बाद में करूंगी। और चलो मैं इसका प्राइस बता देती हूँ आपको ये कितने की है। तो ये वाली जो साड़ी है ये मुझे मिली थी 271 रुपीज में, तो ये भी बहुत सस्ती साड़ी है, मतलब इतनी महंगी साड़ी नहीं है, बहुत ही सस्ती है, बहुत ही सुंदर साड़ी है ये। और सबसे अच्छी बात है कि इन्होंने ब्लाउज का कपड़ा सेम दिया है साड़ी की तरह ही, तो ये अच्छी बात है। चलो फिर नेक्स्ट ओपन करते हैं। ये है ग्रीन कलर की साड़ी और ये ग्रीन और रेड इसका कॉम्बिनेशन इन्होंने दिया है, ये भी मुझे बहुत सुंदर लगी थी। तो ये वाली साड़ी ना आई थिंक बंगाली लोग ज्यादा पहनते हैं, और मैंने कलकत्ता गई थी तो मैंने वहां भी देखा था इस वाली साड़ी को, काफी लड़कियां पहनती हैं वहां पर और बैंगलोर में भी काफी पहनते हैं। तो मैंने सोचा चलो इसका कॉम्बिनेशन बहुत सुंदर है, इसको ट्राई किया जाए। और इसका ब्लाउज का कपड़ा मुझे नहीं पता अंदर आया है या नहीं आया, अभी मैं आपको दिखाऊंगी अगर आया होगा तो। हाँ इसके ब्लाउज का कपड़ा आपको मिल जाएगा और सेम मतलब ये मतलब सेम ही है, मतलब ब्लाउज का कपड़ा बिल्कुल साड़ी की तरह ही है, क्योंकि इसमें भी रेड दिया हुआ है नीचे, ये इतना है, आप इसको कटिंग कर सकते हो। तो आप साड़ी देखो, साड़ी भी बहुत ही सुंदर है, ग्रीन और रेड मतलब ऑरेंज सा इसका शेड है, इसमें ऑरेंज है, गोल्डन है और रेड भी लग रहा है, तो ये इसका शेड है। और देखो ये भी इधर क्या बोलते हैं इसको पता नहीं, ये इन्होंने दिया है, तो ये भी काफी अच्छा लग रहा है। मेरा मन कर रहा है कि मैं इसको अभी पहन लूं और इसको वीडियो बनाना स्टार्ट कर दूं, देखो, क्योंकि मैंने ना ग्रीन कलर की साड़ी अभी काफी टाइम से पहनी नहीं है, तो इसीलिए आप देख सकते हो बहुत ही सुंदर लग रही है ये साड़ी। हम इधर के पार्सल स्टार्ट करने वाले हैं अपना, अभी हम इस साइड रख लेते हैं। तो ये वाला जो सूट है मैंने इसको ओपन कर लिया था, मैंने इसको पहन भी लिया है, आपने वीडियो और फोटो में देखा होगा, तो चलो इसको मैं आपको और सही से दिखा देती हूँ अभी। तो ये है अम्ब्रेला फ्रॉक जो मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, आपने देखे होंगे मैं यही मतलब फ्रॉक वाले सूट बहुत पहनती हूँ। और पता है क्या, मैंने मीशो से ना पहले भी अम्ब्रेला फ्रॉक ऑर्डर किए हैं, बट मुझे इतना मजा नहीं आया था, एक दो अच्छा आया था पर और तो बहुत ही बकवास आए थे सच में। और उनका ना क्या दिखाते हैं, ये ना घेर इतना सारा हैवी दिखाते हैं फोटो में, बट ये लोग ऐसा नहीं करते हैं। जब हमारे पास पार्सल हमारा मिलता है तो बहुत ही कपड़ा कम यूज करते हैं ये लोग उसमें, बट ये वाला जो फ्रॉक है ना ये इन्होंने मतलब जैसे फोटो में था ना सेम ऐसा ही भेजा है। और इसका घेर आप देख सकते हैं, उन लोगों ने काफी इसमें कपड़ा यूज किया है और ये फैब्रिक जो है जॉर्जेट ही है, और आपको बहुत ही सुंदर लगेगा ये, आपने देखा ही होगा मतलब फोटो में कितना सुंदर लग रहा था जब मैंने ये पहना था। और आपको इसके साथ में मिल जाएगा ये दुपट्टा इसका थोड़ा हैवी है, मतलब इस पे वर्क हैवी किया हुआ है, बाकी वैसे हैवी नहीं है, ये बहुत ही हल्का सा है और जॉर्जेट का ही है दुपट्टा भी।
और ये भी मुझे बहुत सुंदर लग रहा था, तो ये मुझे बहुत ही सुंदर लग रहा था। और स्पेशली मैंने इसको जो मंगाया है ना, दुपट्टे को देखकर ही इसको मंगाया, क्योंकि मुझे इसका दुपट्टा ज्यादा सुंदर लग रहा था। बाकी ये तो सिंपल ही है, आप देख सकते हो ये तो बहुत सिंपल है, बट इसका दुपट्टा जो है ना, दुपट्टे में ही बहुत ज्यादा मजा आ रहा है इसके। तो मुझे ये वाला फ्रॉक मिला है 1193 रुपीज, तो ये सबसे महंगा वाला सूट है, क्योंकि इसका ना जो दुपट्टा है ना वो वर्क वाला भी है और बहुत ही खूबसूरत है, तो इसीलिए इन्होंने इतना महंगा इसको दिया है। और मैंने तो जिस दिन ये आया था ना, मैं घर पर थी, जिस दिन ये आया मैंने इसको उसी दिन में पहन लिया, और आपने वीडियो में भी देखा होगा, तो जिस दिन मैं यहाँ आई थी, मतलब अपनी ससुराल वापस आई हूँ घर से, तो मैंने उसी दिन इस सूट को पहन लिया था, क्योंकि ये मुझे बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रहा था, और ये वाला ना कलर भी बहुत ही सुंदर है। प्राइस सारे पार्सल मेरे खत्म हो गए हैं, मैंने आपको सारे पार्सल ओपन करके दिखा दिए हैं, तो कुछ भी इनमें से आपको अगर ऑर्डर करना है, आपको मंगाना है, तो मैं वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको इनके लिंक दे दूंगी, आप वहां से इसको ऑर्डर कर सकते हैं। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर कर देना, और मैं कोशिश करूंगी कि नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं ये सारे कपड़े, मतलब जो भी मैं आगे अब ऑर्डर करूंगी, वो आपको मैं पहनकर आपको दिखाऊं कि हाँ पहनकर, क्योंकि अलग बात होती है ऐसे दिखाने में, अलग बात होती है, तो मैं कोशिश करूंगी कि आपको नेक्स्ट वीडियो में पहनकर दिखाऊं और बताऊं कि हाँ कौन सी चीज बेस्ट है। तो हाँ मैं आपको बता देती हूँ कि जो सबसे अच्छा मुझे इसमें से लगा है, वो मुझे लगा है ये वाला सूट, क्योंकि ये मुझे बहुत ही सुंदर लगा है ये वाला सूट, इसका दुपट्टा भी बहुत सुंदर है। और जो मुझे एक चीज और पसंद आई है बहुत ज्यादा, वो आई है ये वाली साड़ी, ये भी और ये भी, मतलब सारा कुछ अच्छा है गाइस, ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ बुरा आया है, बहुत जो भी मैंने मंगाया है सब बहुत अच्छा आया है, और जो जो मतलब मैंने देखा था वही सेम आया है। तो चलो फिर वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय।